हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ कश्यप और आपके चैनल माय लाइक वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटीआई ट्रेड कारपेंटर के रिलेटेड वीडियो है जिसमें हम डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर आज आपके लिए वीडियो कुछ खास होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास दी गई घंटी बेल पर क्लिक कर दीजिए। इसका एक फायदा है, सब्सक्राइब करने का पहले तो कोई चार्ज नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि सब्सक्राइब करने के बाद मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास तक पहुंच जाएगा। अब बात बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या खास है। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो असाइनमेंट नंबर 1.1 के थे। मैं बताता हूँ ये असाइनमेंट क्या है। देखिए, असाइनमेंट नंबर 1.1, तो यानी कि हमारा एक चैप्टर जो है एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है कि चूज द करेक्ट आंसर है और मैच द फॉलोइंग है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यानी इसी असाइनमेंट का पार्ट है चूज द करेक्ट आंसर और मैच द फॉलोइंग। तो असाइनमेंट नंबर 1.1 के चूज द करेक्ट आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं कि हमारा असाइनमेंट नंबर जो 1.1 है उसके जो क्वेश्चंस स्टार्ट हुए हैं चूज द करेक्ट आंसर के, उसके फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सा कैन होल्ड थ्री वेरियस साइज ऑफ ब्लेड फॉर डिफरेंट यूजेस। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे कारपेंटर के अंदर ऐसी कौन सी आरी है जो तीन अलग अलग ब्लेडों को मतलब अपने साथ जोड़ लेती है। ठीक है, ऐसी कौन सी आरी है? तो इसका आंसर है डी, नेस्ट सा। कारपेंटर के अंदर नेस्ट सा एक ऐसी आरी है जो अलग अलग ब्लेडों को अपने साथ अटैच करने की अनुमति देती है। ठीक है, अब मैं आपको इस नेस्ट सा का डायग्राम भी बता देता हूं। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो नेस्ट ऑफ सा है इसके अंदर ये कुछ इस टाइप की आरी होती है। इसके अंदर एक हैंडल होता है, इसको हम विंग नट कहते हैं। आरी का काम है, पर मैं आपको ये विंग नट भी बता रहा हूँ, इसको विंग नट कहते हैं। आपको ये ध्यान भी रखना है कि इसका नाम विंग नट होता है, ये जो ऐसा नट होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये तीन अलग अलग टाइप की ब्लेड इसके अंदर फिक्स हो जाती है। जैसी आपको चाहिए आप वैसी इसके अंदर ब्लेड फिक्स करते हैं। तो कारपेंटर के अंदर ये एक ही ऐसी है, मतलब आ रही है जो तीन अलग अलग ब्लेडों को फिक्स कर देती है। इसका नाम क्या है? नेस्ट सा। और एक मैं चीज आपको और बताता हूँ, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताया था ना, इससे पहले जो मैंने आपको उसके अंदर जो क्या था क्वेश्चन के अंदर, इससे पहले जो सॉल्व किया था उसके अंदर कौन थी? नोस्ट सा। तो नोस्ट और नेक्स्ट बहुत सिमिलर से वर्ड है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। ठीक है, सीधी सी बातें, जो तीन ब्लेड जोड़ने की अपने साथ अनुमति देती है उसको हम बोलते हैं नेस्ट, NEST, नेस्ट सा। ठीक है, ये एक ही होती है मतलब आरी, और ऐसी कोई आरी नहीं होती जिसके अंदर तीन ब्लेड अलग अलग लग जाए। और ये जो होती है नॉस्ट सा, इसके अंदर क्या होता है कि ये आरी जो होती है ना उसकी दांतों को सेट करती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो हमारा चूज द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऐसी कौन सी आरी होती है जिसके अंदर हम उसके अंदर तीन अलग अलग टाइप की ब्लेडें फिक्स करते हैं, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, नेक्स्ट सा। अगर इस वीडियो के अंदर रिलेटिव कोई भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 इसे लाइक करना ना भूलिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल माई लाइक वीडियोज।